लखीमपुर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग पर सीजेआई ने कहा हर चीज का समाधान सीबीआई नहीं हो सकती। इस साल 119 हस्तियों को मिला पद्म अवार्ड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। लालकृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने आडवाणी जी के स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,451 नए मामले आए सामने, 266 संक्रमितों की मौत। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, आज सुबह गंभीर से बेहद खराब स्थिति में आई हवा। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड भाजपा इसी महीने से पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आएगी। रविवार को हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इसका खाका पेश किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि इसी महीने से चुनाव से जुड़ी गतिविधियां तेज होने जा रही है। दिसंबर तक प्रदेश भर में 252 बैठकों का आयोजन होने वाला है। उन्होंने बताया कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इन सभी के राजनीतिक दौरों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर जीत की राह पर पार्टी को ले जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़े मामले में आरोपी मैक्स कॉरपोरेट सोसाइटी के पार्टनर शरद और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दोनों आरोपियों को एसआईटी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। शरद और मल्लिका पंत को हरिद्वार लाया जा रहा है। एसआईटी की एक टीम दोनों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थी। सूत्र बताते हैं कि दोपहर तक दोनों को हरिद्वार लाया जाएगा, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र रावत घोटाले में उनकी भूमिका से पर्दा उठाएंगे। बता दें कि कोरोना काल में संपन्न हुए बीते कुंभ 2021 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी। वहीं हरिद्वार की सीमाओं पर और कुंभ क्षेत्र में जगह जगह कोरोना टेस्टिंग के लिए मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से इंतजाम किए गए थे। वहीं कुंभ में टेस्टिंग का ठेका लेने वाली मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज दिल्ली ने बड़े पैमाने पर फर्जी टेस्ट कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। देवेंद्र प्रधान के काफिले का मसाई कला गांव में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में जो उत्साह दिखा उसे लेकर वो काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती देने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने को कहा। वहीं देवेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान से उन्हें टिकट दिया जाता है और वो विधायक के रूप में क्षेत्र में आते हैं तो देवेंद्र प्रधान लोगों की सेवा के लिए हमेशा उनके द्वार पर खड़े रहेंगे और किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत लेकर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। ये प्रोग्राम इस वजह से किया गया है, यहाँ के जो हमारी ये सात गांव की ग्राम पंचायत है, ब्रह्मपुर मुसरे के नाम से होती है, ज्वालापुर विधानसभा सीट है। इसमें क्या है कि जो हमारे मौजूदा विधायक हैं या प्रधान हैं, हम ये जो हमारी पहले से जो चली आ रही है कि भाजपा के यहाँ से पहले से कार्यकर्ता भी हैं और भाजपा का ही फुल सपोर्ट भी है। अदर पार्टी को यहाँ आज तक वोट एक भी नहीं मिली, यहाँ तक कभी भी आज तक नहीं हुआ। लेकिन अब के अगर चेंज नहीं हुआ तो भाजपा की यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, मैं जीतता हूँ, मैंने अपनी सभाओं में हर जगह बोलता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं कि किसी को भी मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं। मैं खुद गाँव गाँव जाकर, खुद घर घर जाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूँगा।
पौड़ी गढ़वाल जनपद में 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन को लेकर विकास भवन सभागार पौड़ी में प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नए इरादे युवा सरकार के तहत आयोजित कार्यक्रम प्रतीकात्मक न होकर वास्तविक रूप से भव्य और उत्कृष्ट कोटि के हों। साथ ही जनपद के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय युवा खेल महाकुंभ का आरंभ भी किया जाएगा। युवा केंद्र द्वारा देवीधुरा धाम में दीप प्रज्वलित करने के बाद मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। इस दौड़ में 125 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जबकि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। ये प्रतियोगिता ओपन वर्ग की थी, जिसके चलते छोटे बच्चों में भी काफी उत्साह था। इस मैराथन दौड़ में विजेता छात्रा नीतू ने प्रथम स्थान और भावना लगड़िया ने दूसरा स्थान और कुमारी रिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि ब्लॉक प्रमुख सुमन लता, वीडियो अमित मुंगाई और प्रधान राजू बिष्ट ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। पचौली सहायक अध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय विसारी, आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से यहां पर एक दौड़ का आयोजन किया गया है महामाराई के प्रांगण में, और बहुत अच्छी यूनिटी फॉर रन का ये आयोजन था, जिसमें देवधुरा क्षेत्र के बहुत सारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। यद्यपि यह ओपन वर्ग की प्रतियोगिता थी, लेकिन छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है, और महिला तथा पुरुष वर्ग की यह प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई है बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण। माँ बारही के प्रांगण में आज ये मैराथन दौड़ हुई, जिसमें मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये मैराथन दौड़ हुई, क्योंकि ऐसे मौके हमें बहुत कम देखने को। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई की मार से आम जनमानस के त्रस्त होने के फलस्वरूप कांग्रेस द्वारा पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव सिंह नेगी द्वारा विधानसभा चौबट्टा खाल के अमोठा पेट्रोल पंप पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया गया। पिरान कलियर क्षेत्र के बेड़पुर चौक और पीपल चौक से अवैध रेत बजरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रेलिया डंपर बेरोक टोक के अंधेरे में दौड़ते जा रहे थे, और दिन में अवैध खनन को छुपाने के लिए इन खनन माफियाओं द्वारा अब प्लास्टिक की नीली काली पन्नियों का प्रयोग भी किया जाने लगा है, ताकि किसी को शक न हो। वहीं ट्रॉली या ट्रक डंपर में रेत भरी गई है। ये खनन माफिया इन ट्रकों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बहुत ही तेज गति से दौड़ाते हैं। तेज रफ्तार के कारण कलियर क्षेत्र में कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जबकि कई बार तेज रफ्तार ट्रैक्टर कई बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं और कई बड़े हादसों को अंजाम भी दे चुके हैं। लालकुआ में वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। अवैध गिल्टों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आज तराई पूर्वी वन विभाग की डोली रेंज टीम ने डीएफओ के निर्देश पर अवैध रूप से ले जा रहे दो वाहनों से लकड़ी को पकड़ा है, साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। वहीं डोली रेंज के क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही फरार तस्करों की तलाश की जा रही है। टीम के द्वारा आज प्रातः 5 बजे दो वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें की खैर लदा हुआ था, जिसमें कि 11 गिल्टे थे, और एक पिकअप पकड़ी गई है जिसमें कि 15 गिल्टे साल के पकड़े गए हैं। तो सीज कर दिया गया है। इन एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है और दो अभियुक्त नामजद किए गए हैं इसमें, और वन अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत कार्रवाई की जा रही है, सुसंगत धाराओं के अंतर्गत। इसके अलावा जो वन उपज है, इसकी जो बाजार
आज विकास नगर के छरबा ग्राम पंचायत स्थित निर्माणाधीन गौशाले का शिलान्यास किया गया। निर्माणाधीन गौशाले का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने गौशाला के घेराबंदी के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने भविष्य में शेड निर्माण के लिए भी धनराशि मुहैया कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सिडकुल के CSR फंड से भी गौशाला के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की मदद ली जाएगी। गौशाला के संचालन पर उन्होंने गौ सेवक और पूर्व प्रधान रूमीराम जायसवाल की खुले मंच से प्रशंसा की और कहा कि ये रूमीराम जायसवाल की 13 सालों की तपस्या है और साथ ही कहा कि रूमीराम ने लोगों को गौ सेवा की दिशा में रास्ता दिखाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज ये कार्यक्रम है। यहाँ पर जिस समर्पण भाव से समाज के सभी वर्गों ने मिलकर के ये गौ सदन के संचालन का आवाहन किया है और इसके प्रेरणाता रोमीराम जी पिछले 13 वर्षों से 2008 में इन्होंने सही किया 13 वर्षों से अनवरत रूप से अपनी घर बार जमीन जायदाद को भी दांव पे लगा करके इसका संचालन। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।